सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, मेरा नाम मनदीप दुल्ड। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लैपटॉप पे पावर पॉइंट में स्लाइड के साथ वीडियो कैसे रिकॉर्ड करनी है। जैसे अगर आप किसी स्लाइड को एक्सप्लेन करना चाहते हो एंड साथ में खुद की वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो कैसे करनी है, ये सभी देखने के लिए बने रहे मेरे वीडियो के एंड तक। दोस्तों जैसे ही हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद यहाँ पे थीम सेलेक्ट करने की ऑप्शन आती है, तो आप यहाँ पे किसी भी थीम को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इस थीम को सेलेक्ट कर रहा हूँ और आप ब्लैंक थीम को भी सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों थीम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिलती है इंसर्ट करने की। आप अपनी डिवाइस से या फिर आप ऑनलाइन भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इस पिक्चर को इंसर्ट कर रहा हूँ, दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे पिक्चर्स या फिर वीडियोस इंसर्ट कर सकते हो। अभी हम देखने वाले हैं कि अगर आप स्लाइड शो के साथ रिकॉर्ड करना चाहते हो तो कैसे करना है। उसके लिए आपने यहाँ स्लाइड शो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्लाइड शो पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आएगी स्लाइड शो रन करने की, फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, प्रेजेंट ऑन स्क्रीन। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी, लेकिन आपने यहाँ रिकॉर्ड स्लाइड शो पे क्लिक करना है। जैसे आप रिकॉर्ड स्लाइड शो पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे टू ऑप्शन शो होगी, रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड, रिकॉर्ड फ्रॉम बिगनिंग। अगर आप इस करंट स्लाइड से रिकॉर्ड करना चाहते हो, जैसे टू नंबर स्लाइड है, अगर करंट स्लाइड से रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपने करंट स्लाइड पे क्लिक करना है। एंड अगर आप फर्स्ट स्लाइड से रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपने बिगनिंग पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे मैंने बिगनिंग पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड ओपन हो गई है। दोस्तों यहाँ पे राइट साइड पे ऑप्शन शो हो रही है माइक्रोफोन को चेंज करने की। एंड अगर आप माइक्रोफोन को चेंज करना चाहते हो रिकॉर्डिंग के लिए, तो आप कोई एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। एंड अगर आप कैमरा को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके कैमरा को भी चेंज कर सकते हो। अगर आप कोई ड्रेड कैमरा यूज़ कर रहे हो या फिर कोई एक्सटर्नल कैमरा यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके कैमरा को चेंज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन शो हो रही है क्लियर एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग्स। एंड अगर आप रिकॉर्डिंग करने के बाद कोई प्रॉब्लम है तो आप करंट स्लाइड या फिर ऑल स्लाइड्स के रिकॉर्डिंग को डिलीट कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे आप कुछ नोट्स राइट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके नोट्स राइट कर सकते हो। नोट्स का आप साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ से आप स्लाइड्स को फॉरवर्ड या फिर आप बैकवर्ड कर सकते हो किसी भी टाइम। यहाँ पे ऑप्शन शो हो रही है रिकॉर्ड की, उसके बाद स्टॉप की एंड रिप्ले की। तो अभी हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे तो टाइमर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट आपके पास यहाँ पे ऑप्शन शो होगी कुछ हाईलाइट करने की एंड राइट करने की। एंड अगर आप राइट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो दोस्तों। एंड अगर आप यहाँ पे हाईलाइटर का साइज चेंज करना चाहते हो तो आप हाईलाइटर का साइज भी चेंज कर सकते हो। एंड अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। दोस्तों इस टाइप से अगर आप कुछ रिमूव करना चाहते हो तो आप रिमूव भी कर सकते हो। तो जैसे आपकी फर्स्ट स्लाइड पे रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप नेक्स्ट स्लाइड को सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो नेक्स्ट स्लाइड पे होगी। जैसे आपकी फर्स्ट स्लाइड को आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो। एंड अगर आप विदाउट एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप विदाउट एक्सप्लेनेशन भी रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड दोस्तों ऐसे आप सेकेंड स्लाइड को कम्प्लीट होने के बाद थर्ड स्लाइड या फिर फोर्थ स्लाइड किसी भी स्लाइड पे मूव कर सकते हो। दोस्तों अगर आप स्टॉप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके स्टॉप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगी रिप्ले की, आप यहाँ पे क्लिक करके रिप्ले देख सकते हो। थर्ड स्लाइड या फिर फोर्थ स्लाइड किसी भी स्लाइड पे मूव कर सकते हो। दोस्तों अगर आप स्टॉप करना, यहाँ पे सिर्फ उसी स्लाइड को शो किया है जो स्लाइड को मैंने रिकॉर्डिंग की थी। आप वन बाय वन सभी स्लाइड्स को देख सकते हो। आपने एस्केप पे क्लिक करना है। जैसे आप एस्केप पे क्लिक करोगे तो आप मेन स्क्रीन पे विजिट कर जाओगे। मेन स्क्रीन पे विजिट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो एंड कहीं पे भी मूव करवा सकते हो। एंड अगर आप देखना चाहते हो, रिप्ले करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके रिप्ले कर सकते हो, हाईलाइट करने की। ऐसे आप नेक्स्ट स्लाइड के लिए भी इसी टाइप से सेट कर सकते हो। तो अभी जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो नेक्स्ट स्लाइड पे होगी। जैसे अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आपने यहाँ फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करना है। आप फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करके आप प्रीव्यू देख सकते हो होगी कुछ हाईलाइट करने की एंड राइट करने की। एंड अगर आप राइट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो दोस्तों। एंड अगर आप यहाँ पे हाईलाइटर का साइज चेंज करना चाहते हो तो आप हाईलाइटर का साइज भी चेंज कर सकते हो। एंड अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो दोस्तों। इस टाइप से अगर आप कुछ रिमूव करना चाहते हो तो आप रिमूव भी कर सकते हो।
जैसे आपकी फर्स्ट स्लाइड पे रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप नेक्स्ट स्लाइड को सेट कर सकते हो। तो अभी जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो नेक्स्ट स्लाइड पे होगी। जैसे आपकी फर्स्ट स्लाइड को आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो। एंड अगर आप विदाउट एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप विदाउट एक्सप्लेनेशन भी रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड दोस्तों ऐसे आप स्लाइड को कंप्लीट होने के बाद थर्ड स्लाइड या फिर फोर्थ स्लाइड किसी भी स्लाइड पे मूव कर सकते हो। दोस्तों अगर आप स्टॉप करना चाहते दोस्तों इस टाइप से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इसे MP4 में कन्वर्ट करना चाहते हो अपने फाइल्स पे क्लिक करना है एंड सेव एज पे क्लिक करना है। उसके बाद अपने ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सेव एज टाइप पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे M प्रेस करनी है। जैसे आप M प्रेस करोगे तो आपके पास ऑप्शन शो होगी MPG4 वीडियो की। तो आप यहाँ पे क्लिक करके लोकेशन चूज करके इसे वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो सेम टू सेम वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपकी पावर पॉइंट या किसी अदर एजुकेशन अपडेट को क्वेरी है जो कुछ याचना तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।